Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna। भगवान ने जहाँ ये संसार की माया रचाई है वही मोक्ष के द्वार भी तो बनाए हैं, किंतु ये मोक्ष के द्वार केवल इस धरती पर से ही खुलते हैं। ना स्वर्ग से ना अन्य किसी लोक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए एक जीव को इस धरती पर ही जन्म लेना पड़ता है, और इसी पर आधारित एक बड़ी सुंदर कथा का वर्णन विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण के 11वें स्कंद में शुक जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। और ये कथा है महाराज खटवांग की, जो कि भगवान रामचंद्र जी के ही पूर्वज थे। कई पुराणों में इन्हें महाराज दिलीप के नाम से भी जाना गया है, किंतु प्रख्यात तो वे महाराज खटवांग के नाम से ही हुए। ये त्रेता युगी राजा थे जिनका शासन अयोध्या नगरी पर हुआ करता था। वेद और शास्त्रों के नियम का पूरी तरह से वे पालन करते थे। दान पुण्य करने के लिए भी वे बड़े ही प्रसिद्ध थे, और क्योंकि वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे इसीलिए उन्होंने हमेशा एक ब्राह्मण, शूद्र और एक पशु में भी सदैव भगवान नारायण के ही स्वरूप को देखा, और उनके युद्ध पराक्रम के चर्चे तो देव लोक तक भी प्रसिद्ध थे। और यहाँ एक और देवता और असुरों में हमेशा महासंग्राम चलता रहता था, इसीलिए एक बार देवताओं ने अपनी ओर से युद्ध करने के लिए महाराज खटवांग को आमंत्रित किया। अब राजा खटवांग ने तो कई सारे असुरों को मार गिराया और कई को परास्त कर वहीं से भगा दिया। ये देखकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न थे। इसीलिए विजय प्राप्ति के उपरांत देवताओं ने महाराज खटवांग को एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा कहते हैं कि सर्वप्रथम तो आप सारे देवता मुझे ये बताइए कि मेरी आयु कितनी शेष बची है, तो वरदान मैं उस हिसाब से मांग सकता हूँ। तब देवता कहते हैं कि आपकी आयु है अब केवल एक मुहूर्त, एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट, और ये एक मुहूर्त को दो घड़ी में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक घड़ी होती है 24 मिनट की। तो अब ये बात सुनते ही राजा खटवांग एक अनारुद्ध नामक विमान में बैठकर वायु की गति से इस धरती पर पहुंच गए, और इस धरती पर पहुंचते ही उन्होंने अपनी धन दौलत अपनी निर्धन और गरीब प्रजा में बांट दी। अब स्वर्ग से धरती पर पहुंचने में और दान पुण्य का कार्य करने में एक घड़ी यानी 24 मिनट तो अब बीत चुके थे। अब राजा के पास बची थी केवल अगली 24 मिनट। तो इन 24 मिनटों में राजा ने तन और मन से वैराग्य धारण करके वे सरयू नदी के किनारे एक गहरी तपस्या में बैठ गए, और क्योंकि वे भगवान विष्णु के भक्त थे उनका परम लक्ष्य, उनका पूरा ध्यान केवल भगवान विष्णु पर ही था, और उन्होंने योग क्रिया के द्वारा अपने प्राण त्याग लिए। अब यदि राजा खटवांग चाहते तो देवताओं से अनंत काल तक स्वर्ग का सुख मांग सकते थे, किंतु उनका लक्ष्य स्वर्ग का सुख पाना नहीं बल्कि भगवान विष्णु को प्राप्त करना था। अब यहाँ प्रश्न ये है कि यदि मृत्यु सिर पर हो या मृत्यु का संकेत भी मिल जाए तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या केवल अपनी सांसारिक इच्छाओं की ही पूर्ति करनी चाहिए, या फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को अपना परम लक्ष्य बनाकर मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहिए? मोक्ष यानी कि मानव जीवन का अंतिम पुरुषार्थ माना जाता है। एक धर्मपरायण व्यक्ति को मृत्यु का संकेत मिलते ही दान पुण्य का कार्य, ध्यान, तपस्या, हो सके तो तीर्थ या फिर हरि कथा का श्रवण या हरि नाम का जाप करते रहना चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि मानव जीवन में शुरू में युवा अवस्था में एक व्यक्ति का समय विद्या ग्रहण करने में व्यतीत हो जाता है। इसके पश्चात विवाह का सुख भोगने तथा धन दौलत इकट्ठा करने में, और इसके बाद संतान और परिवारजनों का मोह उसे झकड़ कर रख देता है,
और जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो उसे समय बड़ा ही कम लगने लगता है, वो मरना नहीं चाहता। और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि अब तक आत्मज्ञान के लिए उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया। जिस तरह एक विद्यार्थी वर्ष भर अभ्यास करके एक दिन परीक्षा देता है, उसी तरह मानव को जीवन में एक लक्ष्य बनाकर मृत्यु रूपी परीक्षा को पार करना है। महाराज खटवांग स्वर्ग से धरती पर केवल इसीलिए आए क्योंकि स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं है। स्वर्ग में ना ही भगवान की भक्ति उपलब्ध है, ना ही हरि कथा का श्रवण। स्वर्ग और नर्क दोनों में एक जीव अपने कर्म फलों का केवल भोग कर सकता है, किंतु कर्म नहीं कर सकता। कर्म करने का अधिकार उसे केवल इस धरती पर ही प्राप्त होता है, और वो भी एक मानवधारी देह को, अन्य किसी और योनि में भी नहीं। इसीलिए तो मानव जीवन को इतना अनमोल कहा गया है। ऐसी ही एक और कथा भागवत पुराण में आती है, वो है ब्राह्मण अजामिल की। अजामिल की कथा को शायद कई लोगों ने सुना होगा। अजामिल का जन्म तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अपनी युवा अवस्था में अजामिल ने ब्राह्मण होने के सारे नीति नियमों का पालन किया। निस्वार्थ रूप से और भक्ति भाव से वो हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति करता, सेवा करता, पूजा करता, भजन कीर्तन करता। किंतु किसी पाप कर्म के वश उसने एक गणिका के साथ विवाह कर लिया, गणिका यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट के साथ। उसे प्रसन्न करने के लिए वो लोगों को लूटता, चोरी करता और उसके लिए कीमती गहने लाता और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता। उससे अजामिल को 11 संतान प्राप्त हुई, और क्योंकि अजामिल कभी भगवान विष्णु का परम भक्त हुआ करता था, इसीलिए उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था, क्योंकि वो उसे सर्वाधिक प्रिय भी था। जब अजामिल के जीवन का अंतिम समय आया, तब मृत्यु की शैया पर लेटे हुए जब उसने भयानक यमदूतों को देखा तो वो बड़ा घबरा गया, और इसी घबराहट के मारे उसने अपने सबसे छोटे बेटे नारायण को पुकारा, और नारायण का नाम सुनते ही विष्णु दूत वहाँ मौजूद हुए। यहाँ तक कि अजामिल ने तो अनजाने में नारायण का नाम लिया था अपने पुत्र को पुकारने के लिए, किंतु विष्णु दूत वहाँ मौजूद हुए। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूत के हाथों से छुड़ा भी लिया, किंतु विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच हुए वार्तालाप को अजामिल ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, और ये वार्तालाप सुनकर अजामिल में बड़ा गहरा बदलाव आया। यहाँ तक कि पुराण में तो वर्णन आता है कि विष्णु दूतों ने अजामिल को जीवन दान तक दे दिया, उसे एक दूसरा मौका प्रदान किया, और बस दूसरा मौका पाते ही अजामिल ने अपना घर परिवार संसार सब कुछ त्याग दिया, और फिर से एक बार विष्णु भक्ति में उसने उत्तम गति प्राप्त कर ली। किंतु इन दोनों कथाओं को सुनकर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जीवन भर हम संसारिक सुखों का भोग कर सकते हैं और अंत में हम भगवान का नाम ले लेंगे। जिसने अपने जीवन काल में रहते कभी भगवान के नाम का श्रवण पठन ना किया हो, हरि कथा का आनंद ना लिया हो, या फिर नाम जप ना किया हो, तो अंत समय उसके लिए बड़ा ही कष्टदायक बन जाता है। किंतु जो व्यक्ति निरंतर भगवान की भक्ति करता है, सेवा पूजा करता है, ध्यान तपस्या करता है, हरि कथा का श्रवण करता है, और यदि किसी कारणवश वो यदि अंत समय पर भगवान का स्मरण नहीं कर पाता, या दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाए या फिर अकाल मृत्यु हो जाए, तो ऐसे समय में भगवान स्वयं आकर ऐसे भक्त को अपना स्मरण कराते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौंते यह प्रतिजनी ही न मे भक्त प्रणश्यन्ति। अर्थात मेरा भक्त उत्तम गति तथा शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, कह दो इस संसार से कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। नारायणम नमस्तुभ्यम सर्व पाप विनाशनम श्रीकांत सर्व श्री हरि श्री कृष्णाय नमो नमः। आज के इस वीडियो को बस यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें।